इन दिनों बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर लाइमलाइट में हैं। बॉलीवुड 2020 में हमने आपको बताया ही था कि करीना और आमिर लाल सिंह चड्ढा में तीसरी बार साथ काम करने जा रहे हैं। वेल, हाल ही में हमने अपने कैमरे में आमिर खान के घर के बाहर निकलते हुए करीना कपूर को कैप्चर किया। बेबो को बाहर तक सी ऑफ करने के लिए किरण राव और फिल्म के डायरेक्टर अद्वैत चंदन भी थे। माना जा रहा है कि तीनों ने फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। करीना और आमिर को एक साथ में अलग अंदाज में देखना फैंस के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। इससे पहले दोनों थ्री इडियट्स और तलाश में साथ नजर आ चुके हैं। बॉलीवुड सितारों की लाइफ में उतार चढ़ाव का दौर आता जाता रहता है। खास बात यह है कि ये स्टार्स अपने फैंस के साथ अपने हर दौर की यादों को शेयर करते हैं। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे एक वक्त पर उन्होंने फैमिली में जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था। 2003 में आई फिल्म बूम को टाइगर की मॉम आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन बिग बी, गुलशन ग्रोवर और कैटरीना जैसे स्टार्स की मौजूदगी के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। इसी फ्लॉप ने श्रॉफ फैमिली को रातों रात अर्श से फर्श तक का रास्ता दिखा दिया था। एक लीडिंग टैब्लॉइड को दिए गए इंटरव्यू में टाइगर ने बताया कि कैसे उनके घर का एक एक फर्नीचर बिक गया था और एक दिन ऐसा भी आया था जब उन्हें जमीन तक पर सोना पड़ा था। टाइगर ने कहा, मेरी जिंदगी का वो सबसे खराब फेज था। वेल, फिलहाल टाइगर अपनी अपकमिंग फिल्म वॉर को लेकर काफी लाइमलाइट में हैं और ऐसे में उनके इस इमोशनल कन्फेशन से उनके फैंस भी दुखी नजर आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड 2020 ने आपको बताया ही था कि अगस्त में होने वाला सलमान खान का क्लोज एंड पर्सनल टूर कैंसिल हो गया है। इस टूर के कैंसिल होने के पीछे की वजह मिका सिंह का पाकिस्तान में गाना गाने वाली कंट्रोवर्सी और पाकिस्तानी लड़की का प्रियंका से इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने वाले सवाल पूछे जाने वाली कंट्रोवर्सी को माना गया था। वेल, इसी बीच सलमान ने अपने ट्विटर पर अपनी इसी टूर से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सलमान खान ने लिखा, द अप क्लोज एंड पर्सनल इवेंट इन US एंड कनाडा हैज बीन पोस्टपोन टू स्प्रिंग 2020, सी यू ऑल देन। यानी कि भाईजान के विदेशी फैंस को उन्हें लाइव परफॉर्म करते देखने के लिए अभी करीब साल भर का इंतजार करना होगा। प्रियंका और निक के बीच का एज डिफरेंस हमेशा से ही चर्चा का मुद्दा रहा है, लेकिन लगता है देसी गर्ल तो अपने विदेशी हबी की एग्जैक्ट एज भी भूल गई हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि उनके फैंस कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को उनके एक पोस्ट के लिए जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हाल ही में पीसी ने निक को अप्रिशिएट करते हुए अपने इंस्टा पर एक फोटो पोस्ट की। फोटो के कैप्शन में पीसी ने लिखा, सो प्राउड व्हेन यू ओन योर ओन टकीला एट 27। बस फिर क्या था, यूजर्स ने निक की एज को लेकर कमेंट्स लिखने शुरू कर दिए। दरअसल निक 26 इयर्स के हैं और इसी 16 सितंबर को वो 27 के हो जाएंगे। इतने दिन पहले ही निक को 27 साल का कहना फैंस को पसंद नहीं आया और शुरू हो गई प्रियंका की ट्रोलिंग। वेल, पीसी भले ही अपनी इस पोस्ट में निक की एज को लेकर ट्रोल हो रही हो, लेकिन निक ने उन्हें इस पोस्ट पर प्यार भरा रिप्लाई कर लिखा, माई ब्यूटिफुल फॉर एवर डेट, और अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपनी वाइफ का बचाव करते हुए एक मीम भी शेयर किया। हाल ही में बॉलीवुड 2020 ने आपको बताया ही था कि बॉलीवुड के शहजादे मलाइका अर्जुन ऑस्ट्रिया में वेकेशन पर हैं। इसी बीच दोनों की कई पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, लेकिन एक दूसरे की पिक पर ये दोनों ही क्रेडिट देने से बच रहे थे। अब रिसेंटली अर्जुन ने अपने इंस्टा पर एक पिक पोस्ट की है। पिक के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, ट्रिमेंडसली टेक्निकलर ट्यूजडे। पिक को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि किसी लेडी का हाथ फोटो में दिखाई दे रहा है। सोर्सेज की माने तो ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि मलाइका का ही है। मलाइका अरोड़ा ने ही अर्जुन की ये पिक क्लिक की है। वेल, अब लगता है कि दोनों ने इस बात को मान ही लिया है कि प्यार किया तो डरना क्या। तभी तो डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली अर्जुन के पिक में जगह बना ही रही है मलाइका। वेल, दोनों ऑस्ट्रिया से वापस मुंबई लौट आए हैं। इन दिनों विराट अनुष्का वेस्ट इंडीज में इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस के साथ साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अडोरेबल कपल की कई पिक्चर्स और वीडियोस हमने आपको दिखाई ही थी। अब हाल ही में दोनों स्टार्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी अटेंशन ग्राब कर रहा है। इस वीडियो में एक क्यूट बच्चा विराट को अपना ऑटोग्राफ दे रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, अमूमन स्टार्स फैंस को ऑटोग्राफ देते हैं, लेकिन यहाँ सीन कुछ उल्टा नजर आ रहा है। दरअसल इस बच्चे ने जैसे ही विराट को देखा तो उनका ऑटोग्राफ मांगने भाग आया, लेकिन विराट ने स्वीट जेस्चर दिखाते हुए बच्चे से खुद के लिए ऑटोग्राफ मांग लिया। इस दौरान अनुष्का पेन की कैप पकड़े स्माइल देती हुई नजर आई। वेल, स्टार्स का यही जेस्चर फैंस को उनके और करीब लाता है।
बॉलीवुड के बाजीराव मस्तानी लंदन में फिल्म 83 का शूटिंग स्केड्यूल रैप अप कर इंडिया लौट आए हैं। दोनों स्टार्स को ट्यूसडे शाम मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए तो सीधे ही अपनी कार की तरफ बढ़े। चेहरे पर स्माइल लिए दोनों ने कैमराज को सामने देख रुकना बेहतर नहीं समझा। रणवीर ने पहले तो दीपिका को कार में बिठाया, फिर अपने फैंस संग फोटोज क्लिक कराई। इसके बाद दोनों कार में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। बता दें, पिछले 3 महीने से दोनों लंदन में कबीर खान की फिल्म 83 की शूटिंग कर रहे थे। खबरों की माने तो रणवीर फिल्म की बाकी शूटिंग देश में ही पूरी करेंगे। जल्द ही इसके अगले स्केड्यूल की शूटिंग शुरू होगी। फिल्म अगले साल रिलीज होगी। चंकी पांडे की लाडली डॉटर और सॉटी 2 से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों पति पत्नी और वो की शूटिंग में बिजी चल रही हैं। इन सब खबरों के बीच अनन्या ने एक जंगल थीम मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया है। फोटोशूट में अनन्या काफी स्टनिंग लग रही हैं। मैगजीन के लिए कराए गए फोटोशूट के पिक को अपने इंस्टा पर शेयर करते हुए अनन्या ने लिखा, किंग ऑफ द जंगल ग्रेजी ग्रेजिया। वेल, अनन्या इन दिनों ईशान खट्टर के साथ फिल्म खाली पीली को लेकर भी लाइमलाइट में है। फिल्म से दोनों स्टार्स का लुक आउट हो चुका है। इन दिनों कार्तिक आर्यन लखनऊ में फिल्म पति पत्नी और वो की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। अक्सर सेट से सामने आ रही पिक्स और वीडियोस फैंस में फिल्म को देखने का बस क्रिएट कर रही है। इसी बीच कार्तिक से सेट पर मिलने के लिए कोई स्पेशल गेस्ट पहुंचा। कार्तिक ने खुद अपने इंस्टा पर एक पिक शेयर कर कैप्शन में लिखा, आज शूट करने एक स्पेशल मेहमान आई हैं। गेस हु इज हेयर टू प्ले हाइड एंड सीक विद चिंटू त्यागी। वेल, कार्तिक से सेट पर मिलने पहुंची इस एक्ट्रेस ने अपना फेस पूरी तरह से छिपाया हुआ है। फैंस कार्तिक के कैप्शन से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी को स्टार रह चुकी कृति सेनन है। जबकि कुछ फैंस कार्तिक के साथ इस पिक में सारा के होने की बात कह रहे हैं। वेल, हाथ में छुपाए हुए चेहरे के पीछे कौन सा स्पेशल मेहमान है, ये बॉलीवुड 2020 आपको जल्द ही बताएगा। प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव का होने जा रहा है कोलैबोरेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन जरा रुकिए। प्रियंका और राजकुमार का ये कोलैबोरेशन किसी बॉलीवुड के लिए नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट द व्हाइट टाइगर के लिए होगा। आपको बता दें, ये फिल्म द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की प्राइज विनिंग नॉवल पर बेस्ड है और इसे अब सेम टाइटल के साथ बनाया जा रहा है। इस फिल्म से आदर्श गौरव अपना डेब्यू करेंगे। इस फिल्म में प्रियंका और राजकुमार राव दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म को रमी बहरानी संभालेंगे और फिल्म की शूटिंग अगले साल इंडिया में शुरू होगी। भले ही सलमान के साथ इंशाल्लाह करने का सपना आलिया भट्ट का टूट गया हो, लेकिन एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म आरआरआर में आलिया भट्ट जरूर नजर आएंगी। हालांकि फिल्म में आलिया का किरदार कैसा होगा और कितनी देर का होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिल्म में आलिया का सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, फिल्म में आलिया लीड रोल में नहीं बल्कि एक छोटे से रोल में नजर आएंगी। इसी बारे में आलिया ने बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि सॉटी से डेब्यू करने के बाद संजीदा भंसाली और एसएस राजामौली के साथ ही काम करने का मेरा सपना था। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रोल कितना बड़ा या छोटा होगा, मेरे लिए यही बहुत है कि फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। मैंने फिल्म के लिए तेलुगु सीखी है और फिल्म में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वेल, अगर वाकई फिल्म में आलिया गेस्ट अपीयरेंस में नजर आती हैं तो ये उनके फैंस के लिए दिल टूटने वाली खबर होगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स का सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है, खासकर लड़कियों के लिए। और ये सब बातें हम नहीं बल्कि ये कहना है पद्मश्री अवार्ड और एक्टर मनोज बाजपेयी का। मनोज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कई गंभीर खुलासे किए। बेबाक अंदाज में मनोज ने कहा, बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को हमेशा यहाँ के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है। भले ही आपको यहाँ कोई काम दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन आपको हमेशा गुड बुक्स में बने रहना है। सत्या फेम एक्टर ने कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेहनत और टैलेंट के दम पर सर्वाइव कर लेंगे तो बॉलीवुड में ये पॉसिबल नहीं है, खासकर कि अगर आप लड़की हो तो आपके लिए चैलेंज और बढ़ जाता है। इस इंडस्ट्री में आना, काम करना, थोड़ा बहुत ही नाम कमाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वेल, मनोज के इन खुलासों ने वाकई हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे कितना कुछ छिपा है। इन दिनों मिशन मंगल की सक्सेस एंजॉय कर रहे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के सितारे बुलंदियों पर हैं और उनके पास इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं।
चाहे गुड न्यूज हो या लक्ष्मी बॉम्ब, बच्चन पांडे हो या फिर सूर्यवंशी या हो हाउसफुल 4। इस बीच अब खिलाड़ी कुमार के बर्थडे की सारी डिटेल्स बॉलीवुड 2020 आपके लिए लेकर आया है। अब ये तो आप जानते हैं कि अक्षय कुमार 9 सितंबर को अपना 52nd बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी अक्षय अपना बर्थडे विदेशी जमीन पर सेलिब्रेट करेंगे। सोर्सेज की माने तो अक्षय बर्थडे पर फैमिली संग लंदन जाएंगे और अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर रेस्ट करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों भले ही प्रोफेशनली एक्टिव ना हो, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन छाई रहती हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपनी डार्लिंग डॉटर्स को लेकर। अब सुष्मिता ने अपनी बेटी के 20th बर्थडे के मौके पर एक प्यारा सा पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। सुष्मिता ने लिखा, जिसने मुझे पहली बार माँ कहा, जन्मदिन मुबारक हो रेने। शोना 20 साल हो गए, कितना खूबसूरत सफर रहा और कितना आने को है बाकी, बहुत सारा प्यार और दुआएं। वेल, सुष्मिता का ये इमोशनल पोस्ट उनके फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है। वरुण धवन अबुधाबी में होने जा रहे UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को अटेंड करते नजर आएंगे। 7 सितंबर को होने वाले इस इवेंट के लिए वरुण कितने एक्साइटेड हैं, इसका अंदाजा उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी लगाया जा सकता है। वरुण को इस चैंपियनशिप के लिए स्पेशली इनवाइट किया गया है। वेल, 7 सितंबर को होने वाले इस इवेंट की हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। दूसरी तरफ वरुण धवन सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं, ये भी हम सब जानते हैं। आए दिन वो सेट से पिक्स और वीडियोस फैंस के लिए शेयर करते रहते हैं। हाल ही में वरुण ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पिक पोस्ट की है, जिसमें वो अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी को फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं और इन शॉर्ट्स में वरुण अनडाउटेडली स्पेक्टेक्युलर लग रहे हैं। वेल, फिलहाल वरुण कुली नंबर 1 के रीमेक में नजर आएंगे। सनी देओल के बेटे करण देओल पल पल दिल के पास हैं से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने सनी देओल के ग्रैंड लॉन्च के अरमान पर पानी फेर दिया। आलम यह है कि फिल्म की पूरी टीम को आज 12:30 बजे होने वाले ट्रेलर लॉन्च इवेंट को कैंसिल करना पड़ा और अब ये इवेंट कल 12:30 बजे मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। खुद इस बात की जानकारी सनी ने एक वीडियो शेयर करके दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, आज हम अपना ट्रेलर लॉन्च करने वाले थे पल पल दिल के पास, लेकिन मुंबई में इतनी बारिश पड़ रही है कि पूरा जाम हुआ चारों तरफ और मीडिया यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने अपने इस ट्रेलर लॉन्च को कल के लिए रख दिया है। तो कल इसी वक्त हम हमारा ट्रेलर लॉन्च करेंगे और बस मैं चाहूँगा कि कल आप देखें और इसे चारों तरफ फैला दें। थैंक यू। वेल, इसी बीच करण ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनकी एक स्कूल टीचर ने उन्हें सबके सामने एम्बैरेस किया था। एक असाइनमेंट कंप्लीट न करने पर टीचर ने करण से कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय पापा के पैसे उड़ाने के। करण ने बताया कि स्टार किड होना भी कई बार आसान नहीं होता और इस तरह की तमाम चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बाद बॉलीवुड 2020 ने आपको ये भी बताया था कि इस फिल्म के बाद उन्हें तेलुगु फिल्म जर्सी के रीमेक के लिए अप्रोच किया गया है। खबरें तो ये भी हैं कि शाहिद ने फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपए की डिमांड की है। साउथ के मेकर्स ने भी इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए शाहिद को ही बेस्ट चॉइस माना है। और अब इस फिल्म से जुड़ी एक और खबर हमारे हाथ लगी है। खबरें हैं कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी फाइनल हो गई है। सोर्सेज की माने तो शाहिद के साथ इस फिल्म में रश्मिका मंडाना नजर आ सकती हैं। आपको बता दें, रश्मिका मंडाना की ये बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म होगी। फिल्म के मेकर्स रश्मिका मंडाना से मिले भी थे और उन्होंने फिल्म के बारे में कई सारी बातें भी डिस्कस की हैं। मेकर्स को लगता है कि रश्मिका मंडाना इस फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस हैं। ऋषि कपूर इन दिनों न्यूयॉर्क से देश वापस लौटने की जल्दी में हैं, लेकिन विदेशी जमीन पर भी चिंटू जी बेबाकी से अपनी राय हर मुद्दे पर रख रहे हैं। हाल ही में ऋषि ने एक इंटरव्यू में खुद के साथ साथ कई वेटरन एक्टर्स और पुराने दोस्तों को याद किया। जितेंद्र और राकेश रोशन को याद करते हुए ऋषि ने कहा कि जितना योगदान हम सभी ने इंडस्ट्री के साथ साथ देश को दिया है, हमें उतना कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया। ऋषि ने कहा, 50 साल से भी ज्यादा का वक्त हमने इंडस्ट्री को दिया है, लेकिन उसके लिए हमें कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। वेल, ऋषि की बातें सुनकर जितेंद्र की डॉटर और टीवी क्वीन एकता कपूर ने भी ऋषि की तारीफ की और लिखा, ऋषि अंकल जैसे दोस्त हीरा होते हैं, मेरी तरफ से उन्हें बहुत सारा प्यार और दुआएं। न्यूयॉर्क में कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे बॉलीवुड के वेटरन एक्टर ऋषि कपूर जल्द ही इंडिया वापस लौटने की तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच ऋषि कपूर को बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऋषि के वापस लौटने से पहले ही बधाई किस बात की, तो इसके पीछे वजह है ऋषि का बर्थडे। जी हाँ, बॉलीवुड के चिंटू जी आज पूरे 67 इयर्स के हो गए हैं और इसी खुशी में फैंस ऋषि को दुआएं दे रहे हैं और उनके इंडिया वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वाले एक तरफ ऋषि अपने बर्थडे पर न्यूयॉर्क में है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के एक और वेटरन एक्टर ने ट्यूजडे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम बात कर रहे हैं शक्ति कपूर की। श्रद्धा ने पापा शक्ति के कई किरदारों का कोलाज बनाकर उन्हें बर्थडे विशेष दी। श्रद्धा ने लिखा, हैप्पी बर्थडे बापू, यू आर माय हार्ट, आई लव यू। ...1989 में आई सुपरहिट फिल्म राम लखन तो आपने देखी होगी। जैकी और अनिल की जोड़ी ने एक साथ फैंस का दिल जीतने में कामयाबी हासिल की थी। Well, अब फिल्म की सीक्वल से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर बॉलीवुड 2020 ऐप के लिए लेकर आया है। फिल्म के आगे की कहानी को सुभाष घाई बिग स्क्रीन पर लाने की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि सुभाष घाई ने साफ कहा है कि ये फिल्म का सीक्वल नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल अलग कहानी होगी। ये कहानी होगी 50 साल के एक अच्छे और एक बुरे पुलिस वाले की। फिल्म का नाम होगा रामचंद किशनचंद। सोर्सेस की माने तो फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में शुरू हो सकती है। फिल्म में लीड रोल में जैकी और अनिल के ही होने की खबरें आ रही हैं। वेल, अगर सुभाष घाई इस प्रोजेक्ट को ऑन फ्लोर्स लाते हैं तो वाकई फैंस के लिए ये किसी खास तोहफे से कम नहीं होगी।